सो हेलो गाइस, मैं सुरेश कृष्णा और स्वागत है आपका क्रिएट गुरु यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम दियो को सजाने वाले हैं इसे पेंट करके। तो पेंट करने के लिए हमें एक पीला और ये बैंगनी कलर चाहिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। पहले हम इस पीले वाले कलर को खोल लेंगे, उसके बाद ना हम इसको कलर देना शुरू करेंगे। और फ्रेंड्स, कलर देने के पहले हम ये जो ब्रश होता है ना, ब्रश से, सूखे ब्रश से इसका सब हम धूल मिट्टी निकाल लेंगे। इससे कलर क्या होता है कि अच्छे से चिपकेगा वरना निकल जाएगा। ये देखिए, मैं थोड़ा सा पानी लेके और थोड़ा कलर लेके इसको कलर दूंगा अच्छी तरह से। और गाइस, मैंने वीडियो फास्ट की है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। देखिए गाइस, इस टाइप से हम देंगे इसे कलर। और फ्रेंड्स, मैंने YouTube पर देखा कि ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो लोग होते ना, वो आपको दिखाते हैं, सिर्फ बना कर दिखा देते हैं, कुछ बताते नहीं ये कैसे करना है, ऐसे करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि ये सब मैं आपको बना के दिखा दूँ और आपको अच्छे से समझा भी दूँ, इसलिए गाइज मैं ये बना रहा हूँ। और गाइज, आपको YouTube पर और कोई भी नहीं ऐसे समझा के बताएगा। चलिए गाइज, अब हम ब्रश धो के पीला कलर अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। और गाइज, हमें कलर देने में बहुत ध्यान से कलर देना है। ये देखिए गाइज, मेरे पास ना फिलहाल एक ही ब्रश है, इसलिए मैं इस बड़े वाले एक ही ब्रश का यूज कर रहा हूँ। आप अगर पहली बार कर रहे हैं ना, तो गाइज छोटे से छोटे ब्रश और बड़ा सारे ब्रश से ध्यान दे के बारीकी से काम करिए। ये देखिए गाइज, और आपको जल्दी, थोड़ी भी जल्दी नहीं करनी है गाइज। मैंने वीडियो फास्ट कर दिया है, मैं धीरे से आराम से कर रहा हूँ, आप थोड़ी भी जल्दी मत करना। ये देखिए हमारा कितना अच्छा इसका शाइन आ रहा है और ये डिजाइन हो रहा है। आप गाइज आपकी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं, हर किसी के पास आइडियाज होते हैं, आप भी अपने आइडियाज दिखाइए। और गाइज, अब आपको ना कुछ और बनाना है तो मुझे ना कमेंट कीजिए, मैं आपको सब कुछ बना के दिखा दूंगा। और गाइज, मैं आपको इसे अच्छे से समझाने की कोशिश क्यों करता हूँ पता है क्या, मैं ना चीज़ें बना दूंगा, पर चीज़ें बनाने से मैं जो चीज़ें बनाता हूँ वो आपको समझ ही नहीं आई, तो मेरे वीडियोस बनाने का क्या मतलब है गाइज। इसलिए मैं ना आपको कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे समझाऊँ। ये देखिए गाइज, टॉपिक पे चलते हैं। ये देखिए, मैंने ना इस जगह पर ऐसे वो डॉट्स थे ऊपर, इसलिए मैंने उस डॉट्स पर ऐसे पीला कलर लगा लिया है, क्योंकि बैंगनी कलर पर ना पीला बहुत उभर के दिखता है, अच्छा शाइन भी करता है। ये देखिए, मैं अंदर से भी थोड़ा थोड़ा लगा लूँगा। आप देख सकते हैं गाइज, मैंने अच्छे तरह से डॉट दे दिए। मैं ब्रश धो लूँगा। अब ये बैंगनी कलर है ना, हम इसे दूसरी साइड को भी डॉट बना लेंगे। ये देखिए गाइस, हमारा कितना खूबसूरत लग रहा है, मैंने दोनों साइड का डॉट बना लिए। अब थोड़ा सा हम बारीकी से यहाँ से जहाँ पर बचा है ना, वहाँ पर भी हम कलर दे देंगे। ये देखिए गाइस, हमारी पहली वाली तो पहला वाला दिया तो तैयार हो चुका है, अब दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला करने के लिए ना हमें सफ़ेद, रेड और हरा कलर चाहिए, और बैंगनी भी चाहिए थोड़ा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बल्ब होता है ना, बल्ब के ऊपर का ये ढक्कन निकाल लिए मैंने, इसमें ना हम मिक्स करेंगे। और गाइज, मेरे पास ना पिंक कलर नहीं था तो मैं इसे मिक्स करके बना रहा हूँ, अगर आपके पास है तो अच्छा है। ये देखिए गाइज, हमारा धीरे धीरे ये कलर बन रहा है। अब मैं इसे इस पंक्ति पर दे दूंगा। पहले हम इस अंदर वाले फूल को देंगे। और ये मेरे पास दो पंक्तियाँ है, ये दूसरी वाली है ना, इसके बाहर की साइड को मैं देने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, मैं इस कलर के दो लेयर दूंगा, ये थोड़ा सा डार्क वाला भी दिया है मैंने इसके बाद। अब हम हरा कलर लेके इसकी पत्तियाँ करेंगे। इसका हम ऐसे डिजाइन बनाएंगे कि एक कमल जैसा लगे, बीच में कमल का फूल है और इसका साइड पे इसकी पत्तियां हैं।
चलिए मैं आगे भी कलर दे देता हूँ सारा। और गाइस वीडियो में बने रहिए, आपको ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेज और मैं टिप्स आगे देता रहूँगा गाइस। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है तो बने रहिए वीडियो में। ये देखिए गाइस हमारे पत्ते कलर देके हो चुके हैं। और गाइस हर कलर देने के बाद ना आपको ब्रश अच्छे से धो लेना है, वरना ये कलर हमारा मिक्स होके अच्छा नहीं दिखेगा। ये देखिए गाइस अब मैं इसको स्काई वाला कलर होता है ना वो वाला लूंगा। चलिए अब मैं इसे अच्छे से दे दूंगा। और ये कंप्लीट होने के बाद देखिए गाइस इतना अच्छा लगता है ना ये। ये हम किस टाइप से बनाएंगे पता है क्या गाइस? आप देख सकते हैं बीच में एक कमल का फूल है और साइड पे पत्ते और उसके साइड में पानी है, सारा पानी ही पानी। और गाइस इसको ना मैं दो बार कलर दूंगा, क्योंकि दो बार कलर देने से क्या होता है कि हमारा कलर अच्छे से बैठता है। आप भी दो बार दीजिए। ये देखिए गाइस हमारा एक पंक्ति तो अच्छी लगने लग गई है और इसका काम अभी बाकी है गाइस। ये देखिए पीला कलर है ना पीला, इससे हम इसके बीच में एक डॉट देंगे फूल के बीच में। और इस पे जो ये डॉट्स थे ना इस पे भी हम पीले डॉट देंगे। ये देखिए गाइस इसी टाइप से मैं सारे डॉट्स दे दूंगा। ये मैंने सारे डॉट्स दे दिए। अब गाइस थोड़ा सा लाल कलर मिक्स करके और थोड़ा सा सफेद मिक्स करके हम इसके बीच वाले फूल को भी देंगे। और मैं इसका डार्क वाला रेड कलर का फूल बनाने वाला हूँ। आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं ना थोड़ा इसमें अलग सा डिजाइन बनाऊंगा। ये एक साइड को ना मैं फेंट वाला वो ग्रास होती ना ग्रास उस टाइप का कलर दूंगा। और वो जो लीफ होती है ना आम के पेड़ की या किसी भी पेड़ की डार्क वाली लीफ उस टाइप से आधे को कलर दूंगा। आप देखिए गाइस मैं आगे आगे आपको बताता हूँ। और गाइस मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा ये हमारी इतनी खूबसूरत लगती है ना। ये देखिए गाइस ये हमारा हरा भी दे दूंगा मैं पूरा कलर। और गाइस आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए गाइस हम इसके किनार होती है ना किनार उसके ऊपर गोल्डन कलर देंगे, उससे क्या होगा कि ये अच्छे से शाइन करेगा और ये अट्रैक्टिव लगेगा। ये देखिए गाइस इसी टाइप से मैं सब सारी किनार को कलर दे दूंगा। और गाइज आगे ना मैं आपको दो दो टाइप के आकाश कंदील भी बना के दिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे क्या होगा और पास वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, उससे कि आपको ना मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ये देखिए गाइज इसे इसकी हरी पत्तियाँ है ना उस पर मैं डबल से कलर दूंगा, क्योंकि वो अच्छा लग जाएगा इस कलर। और गाइज आप ग्लू पेंट का भी यूज कर सकते हैं, वो अच्छा होता है इससे भी। और गाइज फिलहाल मेरे पास तो वो कलर नहीं था तो मैं इसका ही यूज करूँगा। ये भी चल जाता है पर ग्लू पेंट इससे भी बहुत अच्छा होता है गाइज। ये देखिए मैं पेंट वाला भी दे दूँगा।
देखिए गाइस हमारी ये वाली भी अच्छे से तैयार हो गई है। मैं इसके बीच में पीला टीका लगाऊंगा और इसके बीच में ना गोल्डन वाला। ये देखिए गाइस हमारी तीनों पत्ती अब अच्छे से हो गई है। अब मैं सारी कलर की डब्बियों को ढक्कन लगा के रख दूंगा। ये देखिए गाइस कितनी अच्छी लग रही है, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। और गाइस आज के लिए इतना ही, गुड बाय एवरीबॉडी।